अच्छा फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आपको पहले ये जो डायग्राम है ना इसको आपने समझना पड़ेगा आपको शेडेड पोर्शन निकालना है शेडेड पोर्शन का मतलब है अगर आप टोटल एरिया निकाल लीजिए टोटल एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं ध्यान से देखिए ठीक है थीके? बहुत आसान है ओके इफ़ यू वांट टू फाइंड द टोटल एरिया तो मैं इस तरीके से दिखाता हूँ आपको ठीक है यहाँ पर तीन फिगर्स दिख रहे हैं दे आर थ्री थ्री इंडिविजुअल फिगर्स जो मैं मान के चल रहा हूँ ठीक है एक तो एक्सक्यूज़ uh, मी मैं ले लेता हूँ हाँ ये हाईलाइटर ले लेता हूँ एक तो ये वाला पोर्शन है विच इज़ नथिंग बट अ सेमी सर्कल येलो वाला पोर्शन ठीक है विच इज़ नथिंग बट अ सेमी सर्कल एंड फिर ये ग्रीन वाला पोर्शन विच इज़ नथिंग बट अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है दिस इज नथिंग बट अ राइट एंगल ट्राइंगल ओके एंड थर्ड एंड थर्ड सपोज दिस पिंक वन ठीक है दिस इज नथिंग बट अगेन अ सेमी सर्कल ठीक है अगर आप इनके इंडिविजुअल एरिया निकाल के ऐड कर लोगे तो यू विल गेट द टोटल एरिया एंड फ्रॉम दिस टोटल एरिया अगर इस टोटल एरिया में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे देखो मैं आपको इरेजर से से आ, नहीं इरेजर से नहीं होगा मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ ओके यह वाला ये, दिस पार्ट अगर इस टोटल जो ये येलो पोर्शन है ग्रीन पोर्शन है और पिंक पोर्शन है इसका एरिया निकाल के आप इजली ऐड कर सकते हो यू विल गेट द टोटल एरिया जो भी ये फिगर है आपको उसका टोटल एरिया आ जाएगा अब इस टोटल एरिया में से अगर आप दिस पार्ट में जो हाईलाइट कर रहा हूँ टोटल में से दिस पार्ट विच इज़ नथिंग बट अगेन अ सेमी सर्कल अगर आप टोटल में से इसको रिमूव कर दोगे ठीक है आई नो कि मैंने पूरे डायग्राम की बैंड बजा दी है बट अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड अगर आप टोटल में से इस सेमी सर्कल को माइनस कर दोगे दिस सेमी सर्कल ठीक है ओके okay? तो यू विल गेट योर आंसर चलो मैं सबको मिटा देता हूँ ठीक है तो मैं क्या करता हूँ एक एक करके पहले मैं आपको एरिया निकालना बताता हूँ टोटल एरिया हम लोग निकालते हैं ठीक है टोटल एरिया ऑफ अ फिगर सो टोटल एरिया कैसा आएगा अगर मैं टोटल एरिया निकालूं टोटल एरिया सबसे पहले आप इस वाले सेमी सर्कल को लो सपोज दिस इज सेमी सर्कल नंबर वन और इसमें जो ए बी है ए बी इज़ गिवन टू यू पी सेंटीमीटर ठीक है दिस इज स्मॉल पी सेंटीमीटर और ए सी इज़ गिवन टू यू क्यू सेंटीमीटर अच्छा यू कैन इजली कैलकुलेट बी सी ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल ट्राएंगल ठीक है इफ़ इट इज़ अ राइट एंगल ट्राएंगल लाइक दिस ओके सो दिस सपोज दिस इज पी दिस इज़ क्यू दिस इज़ सपोज बी सी इसको मैं बी सी मान लेता हूँ या हाईपटीन्यूस h मान लेता हूँ सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट एच स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ठीक है इसको मैं एज इट इज ऐसे लिख लेता हूँ ओके okay, ये भी काम आएगा दिस इज़ नथिंग बट बी सी ठीक है तो बी सी स्क्वायर आया आपका पास ठीक है तो बी सी स्क्वायर को मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ठीक है ये भी बाद में काम आएगा हमारे ओके okay. तो अब नाउ इसमें ठीक है सो टोटल एरिया विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ सेमी सर्कल ठीक है विथ ए बी एज अ डायमीटर ठीक है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे एरिया विल बी नथिंग बट हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर रेडियस विल बी पी बाई टू सो पी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है क्योंकि पी इज कंप्लीट डाईमीटर ना प्लस ओके टोटल एरिया निकाल रहा हूँ मैं प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस इज पी इंटू हाइट इज क्यू तो हाफ पी क्यू प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल नाउ दिस सेमी सर्कल इस सेमी सर्कल का एरिया अगेन हाफ इंटू पाए ठीक है हाफ पाई आर स्क्वायर आर इसमें कितना है क्यू बाई टू सो क्यू बाई टू का होल स्क्वायर इन दिस वे यू विल गेट ठीक है तो इसको मैं अलग से इस तरीके से लिख सकता हूँ पी क्यू बाई टू को मैं पहले लिख रहा हूँ पी क्यू बाई टू को पहले लिख रहा हूँ और ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ आई एम टेकिंग कॉमन प्लस हाफ बाई आई एम टेकिंग कॉमन सो इन ब्रैकेट क्या जाएगा इन ब्रैकेट आई गेट पी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन फोर ना दिस आई गेट ठीक है सो दिस इज नथिंग बट द टोटल एरिया अगर इस टोटल एरिया में से नाउ वट आई हैव टू सप्ट्रैक्ट आई हैैक्ट दिस होल ठीक है इस टोटल में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं दिस पोर्शन ये जो बड़ा सा सेमी सर्कल है जो मैं आपको रेड से दिखा रहा हूँ जिसमें बी सी क्या है डायमीटर है अगर बी सी डायमीटर है तो रेडियस विल बी इट्स हाफ ना तो इसका एरिया कितना जाएगा एरिया ऑफ दिस अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल सेमी सर्कल इसको समझ लो ठीक है बच्चे ओके सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ बी सी एज डायमीटर विथ बी सी एज डायमीटर ठीक है सो विल बी नथिंग बट अगेन हाफ ओके दिस विल गोइंग टू बी हाफ इनटू पाई इनटू आर आर विल बी नथिंग बट बी सी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है बी सी बाई टू का होल स्क्वायर सो दिस विल बी दिस विल गोइंग टू बी हाफ पाई बी सी स्क्वायर अपॉन फोर ठीक है सो बी सी स्क्वायर अपॉन फोर तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू यू ऑलरेडी हैव बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो इफ विल पुट द वैल्यू दिस इज गोइंग टू बी हाफ पाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन फोर ठीक है तो इस एरिया को आपको माइनस करना है ठीक है किससे टोटल में से सो देअर फोर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल गोइंग टू बी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना जाएगा टोटल एरिया टोटल एरिया कितना था पी क्यू बाई टू ओके प्लस हाफ पाई ब्रैकेट में पी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन फोर माइनस माइनस जो अभी निकाला हमने हाफ पाई इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन फोर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन फोर बस ठीक है तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म है तो सेम है कैंसिल हो गया सो द आंसर विल बी पी क्यू बाई टू सो द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी नथिंग बट पी क्यू बाई टू ओके सो पी क्यू बाई टू डी इज द राइट आंसर